निज क्षेत्र का जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्रमय होते नहीं, मन पर क्षेत्र को जानना तो छोड़े नहीं और पर क्षेत्र से अपने को भिन्न जाने, वे स्यादवादी निज रसी निज क्षेत्र में जीवित रहें। वे अपने रस वाले हैं, पर के रस वाले नहीं हैं। अब दूसरे, मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत, वो इतनी जोर से बढ़ जाती थी बात कि उन्हें डर लगता था कि मैं पर क्षेत्रगत ना हो जाऊं। मैं उदाहरण के तौर पे दिया था ना कि उनको लगता एक दफे कोई पंडित जी कह दे तो उन्हें लगता था कि नहीं नहीं मुझे लोग पंडित पार्टी का ना समझ लें, मुझे बाबू पार्टी का ही समझना चाहिए। क्या एक बात ऐसी भी थी कि पंडित लोग समाज में पढ़कर तैयार होते थे तो उनको कोई गवर्नमेंट की नौकरी तो मिलती नहीं थी, तो वे समाज की ही नौकरी करते थे तो बहुत कुछ समाज पर ही निर्भर रहते थे। और बाबू लोग सब क्लर्क थे लगभग, कोई छोटे क्लर्क होंगे कोई बड़े क्लर्क होंगे, थोड़े सीनियर होते जाते हैं, जूनियर सीनियर होते जाते हैं ऐसे, तो उनकी आजीविका स्वतंत्र थी और उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छे पैसा मिल जाते थे। आज भी होता है ना, उन क्लर्कों को अभी बैंक के चपरासियों को भी इतनी तनख्वाह मिल जाती है कि यहाँ बड़े से बड़े पंडित को नहीं मिलती थी। ऐसे भी दिन बीच में आए, ऐसे दिन भी बीच में आए कि वहाँ पर एक चपरासी की जो तनख्वाह बैंक में थी, ये सब बैठे हैं ना कुर्सियों पर, ये सब ऐसे ही बैंक की सर्विस वाले लोग हैं। उस जमाने में बैंक में जाना, क्योंकि बैंक की सर्विस छोटी से छोटी चपरासी की भी मिलेगी तो अच्छे पैसा मिलेंगे, आप समझिए ना। ये तो ऐसी दृष्टि वाले लोग थे, तो वो दोनों के ग्रुप में ऐसा लगता है जैसे कांग्रेसी को लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी वाला ना मान लिया जाए, और जरा सी बात यदि हिंदुत्व की करे तो उसे डर लगता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का ना मान लिया जाए, और वो दूसरा आदमी उसका जरा भी सांप्रदायिकता का विरोध करे हैं तो उन्हें ये डर लगता है कि मुझे ऐसा ना मान लिया जाए कि मैं कांग्रेसी हूँ। जब जब लोकप्रियता का फर्क पड़ता है ना, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीती तो लोग फिर धीरे धीरे उसमें से कट कट के उधर पाला बदलने लगते हैं, यदि वो जीते तो वहाँ से कट कट के इसमें वे पाला बदल बदल के आते हैं। तो ऐसा उस वक्त पंडितों में भी होता था, बाबुओं में भी होता था, बाबू से पंडित बन जाते थे और पंडित से बाबू बन जाते थे। तो और कुछ लोग उसमें इतना कट्टर थे कि निरंतर उन्हें ये भय रहता था कि हम पंडित ना मान लिए जाएं, ख्याल में। तो ये देखो यहाँ लिखा क्या ले पढ़ रहा था मैं, जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्रमय होते नहीं, ये तो पढ़ लिया, मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत, जो गे उनके साथ ज्ञायक भाव भी परित्याग कर। वो कहते हैं कि मुझको पर क्षेत्रगत नहीं मान लिया जाए, मैं स्वक्षेत्र में ही रहूं, तो ये पर को जानना ही नहीं, क्योंकि जानूंगा तो मुझे पर क्षेत्रगत मान लिया जाएगा। उनने तो निषेध ये किया था कि स्वयं को पर क्षेत्रगत नहीं मानना, जानना तो मैं आपको बता रहा था ना कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वे बाबू रहे ना, बाबू लोग तो अंग्रेजी तो उनकी कमजोर होती गई, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत कामकाज हिंदी में होने लग गया, सब जगह घरों में वही बोली जाती थी, बाजार में भी बोली जाने लग गई, तो वो अंग्रेजी ज्ञान तो उनका बहुत ही कमज़ोर हो गया। कैसे कमज़ोर हो गया, वो सिर्फ अपना काम वाला अंग्रेजी जानते हैं, बैंक वाला बैंक की अंग्रेजी जानता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की अंग्रेजी जानता है, वकालत अपने वकील की अंग्रेजी जानता है, लेकिन और बाकी दूसरे क्षेत्र की अंग्रेजी नहीं जानता वो। बस जितना उसका काम है ना सुबह से शाम तक, वो अपने काम में हो गया परफेक्ट। अब फिर अंग्रेजी भाषा की विज्ञता तो कम हो गई और ड्रेस आ गई पक्की,
अभी ऑफिस की जो ड्रेस थी वो धीरे धीरे घर की भी बन गई। पुलिस वाले को ड्यूटी के लिए जो ड्रेस मिलती है और वही घर पर भी पहने रहो, क्या फर्क पड़ता है, रोब चल रहता है, कोई देखेगा तो अपनी सुनेगा, और अपने घर का पैसा खर्च नहीं होता, गवर्नमेंट की ड्रेस मिलती है उससे ही अपना काम चलता है। तो धीरे धीरे घर में भी वो उसी ड्रेसों में आ गए जो ऑफिसों में जिनकी ड्रेसें थी, समझ गए ना। तो वे अंग्रेज तो हो गए, फिर वे चम्मचों से खाने लग गए, घरों में डाइनिंग टेबल आ गई, मतलब धीरे धीरे वो आचरण से तो वे सब अंग्रेज हो गए और भाषा से अंग्रेज नहीं रह पाए। भाषा से होना था, मैंने मिलेच्छ भाषा में समझना समझाना था और मिलेच्छ नहीं होना था, जाना था, अंतर समझ आ गया ना वो, कि मिलेच्छ मत हो जाना, मिलेच्छ भाषा की विशेषज्ञता प्राप्त करना, नहीं मिलेच्छ नहीं हो जाना। लेकिन मिलेच्छ तो हो गए, आचरण तो सब मिलेच्छों जैसा हो गया और भाषा चली गई। फिर ऐसे मान लो पंडितों का जोर चला तो ड्रेस तो अप टू डेट, टोपियाँ आ गई एकदम नौकदार बढ़िया, कुर्ता आ गया जी आ गया, पजामा आ गया पहन करके, एकदम अप टू डेट हो गई ड्रेस तो, और पांडित्य तो संस्कृत प्राकृत भाषा और वो जो उसका गहरा ज्ञान था वो सब चला गया। तो धीरे धीरे वो पंडित और सेठ दोनों एक से ही हो गए, वो सूट पैंट वाला ही पंडित भी हो गया और वो भी सूट पैंट वाला तो हो गया, वो पंडित तो नाम रखाए रहा लेकिन पंडिताई गायब हो गई। ये बात मैं आपको समझा रहा था। तो उनको बहुत वो सीमा रेखा बनाए रहने के लिए ये बहुत सावधान रहना पड़ता है, कभी कभी वो सावधानी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अपर पक्ष का मिथ्यात्व हो जाता है, अपर पक्ष का एकांत हो जाता है। तो देखो ये है वो कौन सा, मैं ही रहूं निज क्षेत्र में, इस भाव से पर क्षेत्र गत जो गे उनके साथ ज्ञायक भाव भी पद त्याग कर, कि जिसने उनको जाना वो भी उन गे में डालोगे झगड़ा खत्म, वो भी मैं नहीं। तो ये उधर का एकांत हो गया ना, पहले तो गेयों को अपने में मान लिया था है? तो पर का, पर की नास्ती का अभाव हो गया था और अब अपने आत्मा को भी गेयों में डाल दिया, ज्ञान को भी, ज्ञान उस पर्याय को, तो ये नास्ती का इनकार हो गया। परद्रव्य से नास्ती है और स्वद्रव्य से अस्थि है, ऐसे पर क्षेत्र से नास्ती है और स्वक्षेत्र से अस्थि है, ये सारे बोल अस्थि नास्ती पे ही घटित हो रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, एक नित्या आत्मा नित्य है, अनित्य है, नित्यानित्य है, अवक्तव्य है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित नित्यानित्य है, ऐसे ये बोल है ना, ऐसे एकानेक में भी घटाते हैं। लेकिन वो कहते हैं असली बोल सब ये अस्थि के हैं, है लग रहा है ना। जैसे पर क्षेत्र में गत गेयों को जाना, तो पर क्षेत्रगत गेयों को जानने से ये गलती क्षेत्रगत गलती हुई, पर कालगत गेयों को जाना तो वो कालगत वाली गलती हुई। लेकिन वो उस किया दोनों ने क्या, कि ऐसा जान कर अपने अस्तित्व का निषेध किया और अपने नास्तित्व का निषेध किया। निषेध तो हर जगह अस्ति नास्ति का ही हो रहा है। तो गुरुदेव के प्रवचन में आपने सुना होगा शांति जी कई जगह, कि वो ये कहते हैं कि ये तो कहते हैं कि नहीं, ये भी सच्चा और वो भी सच्चा, ऐसा अनेकांत नहीं है, ये सच्चा है और वो सच्चा नहीं है, ऐसा अनेकांत है। जैसे गुरुदेव के प्रवचनों में कई दफे आता था, हमको भी लगता था जब हम भी कोई पुराने पंडित थे ना, तो हमको भी ऐसा लगता था कि ये कैसे फूसड़ी बात, कहते ये है ही नहीं, ये अपने यहाँ तो प्रमाण सब भंगी है ना, कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, और ये कहते नहीं ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसा अनेकांत लगाओ। अब देखो ये इनने ये पढ़ा था ना, कहीं हर जगह वही अस्थि नास्ति ही लगा रहा एक तरीके से है ना। मैं हुई रहूं निज क्षेत्र में,
इस भाव से पद क्षेत्र गत जो गेय उनके साथ व्यायक भाव भी परित्याग कर हो तुच्छता को प्राप्त। जब व्यायक भाव भी छोड़ दिया तो तुच्छ रह गए, परस हो तुच्छता को प्राप्त कौन सठ पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत, पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत गेयों को तो छोड़ कर, रे छोड़कर सब गे पर क्षेत्रगत सब गेयों को छोड़कर और निज क्षेत्र को छोड़े नहीं, और निज क्षेत्र को छोड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से छोड़ एक को छोड़ते हैं तो एक की अस्थि और एक को छोड़े नहीं उसकी नास्ति, वो अस्थि नास्ति पर ही उन्होंने क्षेत्र वाला घटित किया। अब मैंने समझ लो पूरा जो 8-10 पेज हैं ये सब पढ़ा दिए, इसमें यही है पढ़ना अपने आराम से शांति से तो सब ख्याल में आएगा। और हर एक बोल में वो पांडे राजमल जी का एक ही तरीका है, वो देख लो इसमें 269 पेज पे, दो ही लेने पड़ूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। देखो कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि जो वस्तु को पर्याय रूप मानता है द्रव्य रूप नहीं मानता, तो उनने स्वरूप पर रूप की बात थी तो उसे ये द्रव्य पर्याय रूप कहते हैं, मैंने ऐसा पक्ष बनाते हैं, समझ में ना ये। इसलिए जितना समस्त वस्तु का आधारभूत प्रदेश पुंज है उनको जान उसको जानता है ज्ञान, और जानता हुआ उसकी आकृति रूप परिणमा है ज्ञान, इसका नाम है परिक्षेत्र है, और उस क्षेत्र के को ज्ञान का क्षेत्र मानता है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव, उस क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है, चैतन्य प्रदेश मात्र ज्ञान का क्षेत्र है उसे नहीं मानता, और उसी चीज को इन्होंने द्रव्य और पर्याय पर घटित किया है। और ये जो छंद है ना फिर बनारसी दास जी के पेज नंबर 260 पे वे छंद ये सब इस तरह के हैं, कैसे जो भी वो द्रव्य और पर्याय पर घटित करके बताने वाले, पढ़ो इन छंदों को पढ़ो। बहुत कुछ भाव ख्याल में आता है, फिर तो कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि जितना गेय का क्षेत्र है उसी हिंदी का अर्थ पढ़ रहा हूं उतना ही ज्ञान है, उतना ही ज्ञान है माने ज्ञान का क्षेत्र है, उससे कम और अधिक नहीं। इस प्रकार वे ज्ञान को तीनों काल में पर क्षेत्रगत से व्याप्त होकर परिणमित मानते हैं और अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानते नहीं हैं। उनके सदा ऐसी मिथ्या मान्यता का दौर ही चलता रहता है,
श्यादवादी ज्ञानी जिन धर्मी तो कहते हैं कि गेहों में व्याप्त नहीं होने वाला जगत शिरोमणि ज्ञान ही जीव की सत्ता प्रमाण है। तात्पर्य यह है कि जितनी और जहाँ जीव की सत्ता है ज्ञान भी उतना ही और वहाँ ही रहता है। यद्यपि ज्ञान की प्रभा में ज्ञान के आलोक में अनेक प्रकार के अनेक गे झलकते हैं तथापि गे और उन्हें जानने वाला ज्ञान की सत्ता जुदी जुदी है। कोई शून्यवादी कहता है कि गेयों के विनाश होने पर ज्ञान का भी विनाश हो जाता है। जब आप ही अब आप ही बताइए कि हम कैसे जिए। इसीलिए जीव के जीवन के लिए गेयों रूप निमित्तों के आधार से होने वाले गेयाकार प्रणमन का नाश किया जाना चाहिए। उनसे सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई खेद खिन्न क्यों होते हो, गेयों से विरक्त उन्हें जानने वाले ज्ञान को उनसे भिन्न स्वीकार कर लीजिए। ज्ञान की शक्ति का साधन करके अनुभव दशा की आराधना करके सब प्रकार शुभाशुभ भाव रूप कर्मों का परित्याग करके परमानंद का रस पीजिए। या क्या ये दोनों का है। उक्त संपूर्ण कथन में मूल बात यह है कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में पर क्षेत्रगत गे झलकते हैं और उन्हें देखकर यह अज्ञानी जीव या तो स्वयं को पर क्षेत्रगत मान लेता है या पर क्षेत्र को निज रूप मान लेता है। इसकी यह मान्यता ही अज्ञान है और एकांत है। ये देखो प्रवचन सार में आया ना वही, यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गेय प्रमाण है, हैं गेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। तो ज्ञान को सर्वगत कह दिया, लोकालोक गेय है तो लोकालोक गत कह दिया। अब वे कहते वास्तविक स्थिति क्या है, मैं सर्वगत हूँ कि मैं आत्मगत हूँ। तो एक ऐसा मत है भारतीय दर्शनों में कि जो भगवान को सर्वगत मानता है, बोले जो कुछ जगत में दिखाई देता है वो सब भगवानमय है, सिया ब्राह्ममय सब जग जानी, सर्वम खदुमलम ब्रह्मा देह नानास्ति किंचना, ऐसा मानने वाले ऐसे जगत में जो लोग हैं। और ये कुछ ऐसा मानते हैं कि नहीं, बस वो तो जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। क्योंकि ऐसा प्रश्न किया है कि ज्ञान गुण और आत्मा, यदि ज्ञान गुण को आत्मा से बड़ा मानेंगे तो मान लीजिए कि मनुष्य का अपना आकार है इसमें आत्मा रहता है और ज्ञान गुण बड़ा है तो इसके बाहर भी रहेगा। तो कहते हो बाहर वो ज्ञान गुण को आश्रयभूत द्रव्य नहीं रहा तो आश्रय के अभाव में वो नष्ट हो जाएगा है? और आत्मा कौन, इसलिए आत्मा के भी मानो तो अगर आत्मा में ही मानेंगे बाहर नहीं जाएगा तो जानेगा कैसे। अब स्थिति ये है कि जानने कोई जाना कहते हैं। इस सारे व्याकरण शास्त्र का नियम है कि जितनी धातुओं का अर्थ टू गो माने जाना होता है उन सब का अर्थ नियम से जानना होता है। अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों का होता है और उसमें आत्मा में एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाता भी है और जानता भी है, पुद्गल जानता नहीं है। तो आत्मा में दो गुण हो गए, एक जाने के और एक जानने के, और पुद्गल में एक ही रहा। तो जब जब गमनार्थक धातुओं का प्रयोग पुद्गल के साथ होगा तब तब नियम से जाने के अर्थ में होगा और जब जब आत्मा के संबंध में होगा तो जाना भी उसका अर्थ हो सकता है और जानना भी उसका अर्थ हो सकता है। तो जब जाने की बात आएगी तो कहेंगे तीन लोक के बाहर नहीं जा सकता कोई जीव और मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के आगे की बात जानता तो है ना है? क्यों नहीं जानता?
केवली तो जानते ही है ना, लोकालोक को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जब वो अलोका काश तक की भी जान लेते हैं तो मानसोत्तर क्या रह गया उनको? और जितने हमारे अरहंत सिद्ध अरहंत भगवान हैं वो तो सब मनुष्य ही होते हैं, फिर तो उन्हें मानसोत्तर पर्वत के आगे नहीं जानना चाहिए। तो उनका जानना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जाना प्रतिबंधित है। जाएंगे नहीं वो ढाई दीप के बाहर, जान तो सकते हैं। तो कहते हैं कि अब हमने सर्वगत, सर्वम गच्छति इति सर्वगत और सर्वम अवगच्छति इति सर्वगत, सबको जाने सो सर्वगत और सब जगह जाए सो सर्वगत। तो जो सब जगह जाए इस अर्थ में तो सर्वगत नहीं है, और सबको जाने इस अर्थ में सर्वगत है। अब भी दोनों में मान लेगा कि दोनों में नहीं मानेगा, इतनी सी बात है। वो कहते हैं ऐसी ही विशेषता है कि ज्ञान गेय प्रमाण, आत्म ज्ञान प्रमाण है। तो आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है और फिर ज्ञान गेयों के प्रमाण है। तो ज्ञान कितना है कि जहां तक गेय वहां तक, और गेय क्या है तो कि लोकालोक है। तो इसलिए फिर ज्ञान सर्वगत हो गया। ऐसे ऐसे उन्होंने सब, तो वो कहते जैन धर्म का ये जो सर्वगतत्व तो है इसको उन लोगों ने मान लिया और इसको का एकांत उन्होंने ग्रहण कर लिया। समस्या है। अब बस बात इतनी सी है कि इतना जानना है कि वो जानने को भी जानना कहोगे, जानने को भी जाना कहोगे तो सर्वगत कह सकते हो, और जानने को जाना नहीं कहोगे तो सर्वगत नहीं कह सकते हो। तो आत्मा ज्ञान आत्मा के एक प्रदेश से भी बाहर नहीं निकलता है। माने जैसे हमारा यहाँ आत्मा के प्रदेश है तो यहाँ ज्ञान भी है। अब यहाँ हमारे आत्मा के प्रदेश नहीं है तो हमारा ज्ञान भी यहाँ नहीं है। अब हमारे ज्ञान ने ऐसे तो जान लिया, तो अकेला केवली जानता है क्यों? अपना मनुष्य जो है वो ढाई दीप के बाहर, क्योंकि केवली तो बिना जाए जान लेता है। तो अपन लोग तो बिना जाए नहीं जान सकते हैं, अमेरिका जाना पड़ता है ना अमेरिका को जानने के लिए। कि नहीं भाई तुम भी जानते हो, अमेरिका भले ही तुमने जाके जाना होगा लेकिन बिना जाए भी तुम जानते थे कि अमेरिका है। तुम नहीं जानते हो कि आठवां दीप नंदीश्वर है और वहाँ कीर्तन चैत्यालय हैं और तुम उसकी नक्शा बना करके और पूजा करके अरख भी चढ़ा देते हो। तो तुम ऐसा क्यों भ्रम पालते हो कि अरहंत ही जानेंगे, हम नहीं जानते हैं। बस इतना ही है, वे प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं। वे अपनी आंख से मन वे अपने आत्मा के प्रदेशों से साक्षात देखते हैं और हमने परोक्ष जाना, तो परोक्ष कैसे जानते होंगे फिर अपन? अरे परोक्ष जानना माने शास्त्र में पढ़ के जानना, अनुमान से जानना, युक्ति से जानना, इन सबको जानना ही बोलते हैं। जो जानने के भेद हैं, नहीं जानने के भेद नहीं हैं। जब ये बात कहते हैं तो कहते नहीं हम तो नहीं जानते, जान ढाई दिन के बाहर की तो हम नहीं जानते हैं। वो रमण समुद्र में कोई एक महामत्स्य रहता है और उसकी आंख में संदुल मत्स्य रहता है, ये आप लोग कौन नहीं जानता? हाथ उठाओ। तो कौन कहता नहीं जानते हैं? तो उसमें लिखा है कि श्रादवाद में और सर्वज्ञ में सिर्फ प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। हम नाम परोक्ष को क्या समझते हैं? कि वो समय शास्त्र में पढ़ के जानने को परोक्ष ज्ञान नहीं समझते हैं, जबकि वो शास्त्र में परोक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष इसी का नाम परोक्ष है, अनुमान से जानने का नाम परोक्ष ज्ञान है। देखो मति श्रुत अवधि, मति श्रुति ये दो ज्ञान परोक्ष है ना। तो जितना मति तो आगम भी श्रुत ज्ञान में आ गया और अनुमान ज्ञान मति ज्ञान में आ गया, तो ये परोक्ष ज्ञान है। और हमने इंद्रियों से जाना तो इंद्रियों के अधीन हो गया, तो इंद्रिय तो भी परोक्ष हो गया। वो एक ये भी परिभाषा है कि अस्पष्ट हो वो परोक्ष, स्पष्ट हो वो प्रत्यक्ष, कहाँ है?
न्यायदीपिका में विशुद्धम प्रत्यक्षम, जो निर्मल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है और जो अनिर्मल ज्ञान है वो परोक्ष है। तो हम सब जानते हैं लेकिन सिर्फ इतना नहीं जानते हैं कि हम जानते हैं, और इसको ही ये ज्ञान कहते हैं, उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, समझे ना। जैसे कल बताया था कि सब न्यायों का प्रयोग व्यवहार में सब करते हैं लेकिन बस ये नहीं जानते हैं कि ये कौन न्याय का कथन है, उस न्याय का नाम नहीं जानते, उस न्याय की परिभाषा नहीं जानते, लेकिन उन न्यायों का प्रयोग सब करते हैं। जिनने व्याकरण रंच मात्र नहीं पढ़ी हिंदी की और हिंदी एरिए में पैदा हुए तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और जो व्याकरण पढ़ पढ़ करके हिंदी के विद्वान बन गए वो हैं अहिंदी भाषी है? तो वे हर जगह ने लगा देते हैं, राम जाता है तो वे कहें राम ने जाता है, क्यों ने पढ़ लिया था कर्ता में ने कर्म को करण से क्यों फिर राम ने जाता है बोलते हैं, क्यों और वे अच्छे उसके विशेषज्ञ विद्वान है, PhD हैं वे हैं बढ़ाते हैं, और ये जो बिल्कुल गांव का ग्रामीण पैदा हुआ है वो राम ने जाता है कभी नहीं बोलेगा। अभी वे सब बोलेंगे मैंने जाना है, अब हिंदी वाला बोले मुझे जाना है, नहीं नहीं मुझे जाना है, हम सबने ये काम करना चाहिए। अब वो तो करता है ना इसने लगा देंगे, लेकिन अपन तो हम सबको ये काम करना चाहिए, भले को लगाएंगे। तो वो तो बहुत स्थूल कथन है कि जिनमें हमने कर्ता माने ने वो कर्म माने को लगा दिया है, जो असली जो जो हिंदी है वो तो कुछ अलग ही चीज़ है। यदि हर भाषा का ऐसा है, हर जगह ऐसा नहीं लगता है, जो नाटकों की भाषा होती है वो जिंदा भाषा होती है, और ये बाकी तो सब मृत भाषा है। मृत भाषा माने क्या, हमने आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुमने कहा मेरा नाम ऋषभ चंद है, तो इसमें जो मृत भाषा हो गई, हमने तुम्हारा नाम क्या है ऋषभ चंद ये जिंदा है, वो कुछ करता नहीं लगाएगा, ये नहीं बताएगा मेरा नाम फलाना है ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, है ना। वो जिंदा भाषा समझना है ना, अलंकारिक भाषा है। वो संस्कृत द्वारा पूछेगा कि आपके नाम ने किन शब्दों को अलंकृत किया है, आपके नाम का कौन से शब्द वे सौभाग्यशाली हैं कि जिनसे आपका नाम रखा गया है, कम शब्दों में अलंकृतानी ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो वो भाषा है, तो ये तो भाषा की गहराई को जानते ही नहीं हैं, है? अब वे जो व्याकरण पढ़ पढ़ के भाषा जो सीखते हैं वो उनकी वैसी भाषा होती है, जिसमें मराठी टोन गुजराती टोन है, छोटी बड़ी का किसी को पता ही नहीं है, कहाँ छोटी लगती है कहाँ बड़ी लगती है, कहाँ छोटो ऊ लगता है कहाँ बड़ा ऊ लगता है, उन्हें उन्हें सब एक सही दिखता है, उन्हें भानु और गुरु दोनों एक सही दिखते हैं, और है ना भानु भानु तो एक वचन का भानु और दो ही वचन का भानु है ना, उनको दोनों एक सही दिखते हैं, यहाँ वो लिख देंगे वहाँ वो लिख देंगे, सब चलता है। चलो